करनाल में मजदूर नेता और कर्मचारी संसद में पारित लेबर कोड्स को लेकर उखड़ गए हैं। रोष स्वरूप सीएम मनोहर लाल हाउस का मजदूर नेताओं व कर्मचारियों ने घेराव किया है। इतना ही नहीं, महिला प्रदर्शनकारियों ने पुलिस बैरिकेड्स उठाकर भी फेंक दिए। इस दौरान मजदूर नेताओं ने कहा कि संसद में पारित लेबर कोड्स मजदूरों के लिए गुलामी का दस्तावेज है। तीन कृषि कानून खेती और किसानों को उजाड़ने का काम करेंगे, इसीलिए उन्हें रद्द किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि सीटू प्रदेश अध्यक्ष सुरेखा व उपाध्यक्ष आनंद शर्मा करनाल की सब्जी मंडी में आयोजित सीटू के बैनर तले मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की विशाल घेराबंदी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान मजदूर नेताओं ने कहा कि भाजपा सरकार ने इस कोरोना महामारी में देश की आत्मनिर्भरता को दांव पर लगाया है। मजदूरों, किसानों व मेहनतकश आवाम ने आजादी के बाद जो भी कुछ बेहतर हासिल किया है उसे छीनने का काम किया गया। केंद्रीय बजट में देश में एक समान न्यूनतम वेतन और कुछ नहीं बल्कि मौजूदा मजदूरी को भी कम करना है। आखिर क्यों नहीं सरकार मजदूरों, ठेका व कच्चे कर्मचारियों के लिए 24,000 न्यूनतम वेतन घोषित करती है। लेबर कोड्स पारित करने सरकार ने ठेका कर्मचारियों के कानून को खत्म किया है। फिक्स टर्म्स के नाम पर स्थायी रोजगार लेबर कोड्स को खत्म करके न्याय पाने के बुनियादी अधिकार को छीनने का काम भाजपा सरकार ने किया है। इन कानूनों के बदलने के बाद मलिकान मजदूरों पर हमलावर हैं। उन्होंने कहा कि लाठी और गोली की आवाज पर किसान व मजदूर आंदोलन को दबाया जा रहा है। बड़े शर्म की बात है कि देश व प्रदेश की भाजपा सरकार चंद पूंजीपतियों के लिए देश की 90% आबादी को गिरवी रख रही है। जिस सार्वजनिक क्षेत्र ने देश की बुनियाद को मजबूत किया है, आज उसे कोड़ियों के भाव नीलाम कर देश की आत्मनिर्भरता को दांव पर लगाया गया। आंगनवाड़ी वर्कर्स एवं हेल्पर यूनियन की राज्य सचिव रूपा राणा, आशा वर्कर यूनियन हरियाणा करनाल के जिला प्रधान सुदेश, राज्य महासचिव पूजा राठी ने कहा कि न्यूनतम वेतन 24,000 हो, स्कीम वर्कर्स व कच्चे कर्मियों को पक्का किया जाए, मनरेगा में काम मिले, भत्ते पर पत्थरे का रेट 725 रुपए हो, वन विभाग में मस्ट्रोल लागू हो, स्वास्थ्य कर्मी की छटनी ना हो, स्ट्रीट वेंडर एक्ट 2014 लागू हो, सरकारी व सार्वजनिक क्षेत्र के निजीकरण पर रोक लगे, प्रत्येक जरूरतमंद परिवारों को 10 किलो अनाज प्रति व्यक्ति व 7500 रुपए मिले, यह हमारी मांग है जिसे सरकार जल्द पूरा करे। इस अवसर पर सर्व कर्मचारी संघ के राज्य नेता कृष्ण शर्मा, CITU राज्य उप प्रधान आनंद शर्मा, सुनील दत्त, सुनीता मलकीत सिंह, सतपाल सैनी, जगपाल राणा, सुशील गुज्जर, ओपी माठा, सियानंद, जगमाल सिंह, रूपा राणा, सुदेश, बिजनेश, रोशनी, सुमन, सुभ्री, शिमला व सुनीता मौजूद रही। हम ये कह रहे हैं कि जनता देख रही है और जनता ने खाली ये कह रहे हम व्यस्त हैं, हमारे पास टाइम नहीं है। कैमला वालों ने उनको कह दिया आपके पास टाइम नहीं है, आप ऊपर ऊपर ही रहो, नीचे मत उतरो। और ये हरियाणा के अंदर आज ये सारे बिल में बैठे हैं बड़े हुए और इनको कोई टाइम, कोई मीटिंग नहीं करने दे रहा, गांव के अंदर कोई बातचीत नहीं है। और मतलब पंचायत चुनाव से ये तक डरे हुए हैं, पंचायत चुनाव तक की घोषणा नहीं कर रहे हैं, तो जनता ने इनको खाली कर दिया। और ये चाल चरित्र इनकी, इनका जो ऊंट बैठ है ये देख रही है जनता, और इनका और इलाज कर देंगे। हमारे हाथ में दो ही चीजें हैं और हम वो दोनों काम करने लग रहे हैं। एक हमारे हाथ में वोट थी जो ये झूठे वायदे करके छल कपट करके जिसको लेके चले गए हमसे, अब दूसरा हमारे हाथ में हमारा नारा है और ये नारा जिंदाबाद था, ये जिंदाबाद रहेगा और जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा ये बुलंद रहेगा आगे। अभी वो कह रहे हैं कि सुबह 10 बजे जो DC बात करेंगे, हमें पता है DC के हाथ में क्या, उनके हाथ में कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी चलो उनके DC के सम्मान में हम उनसे पूछ लेंगे सुबह 10 बजे वो क्या कहेंगे। लेकिन हमें पता है, अंदाजा है हमें इस बात का कि क्या होने वाला है, उसमें हमें कोई उम्मीद अपेक्षा नहीं है। हम तो ये मान के चले कि ये डिब्बे हमने कूड़े के डिब्बे में फेंक दिया अपना ज्ञापन, हम यहाँ चिपका भी सकते थे, बैरिकेड हट जाएंगे, चिपकाना भी वही बराबर के बाद। क्या रणनीति रहेगी आपकी? आज हमने पहले से मुख्यमंत्री को नोटिस भेज रखा था CITU ने कि हम 14 तारीख के आपके आवास पे आएंगे और हमारी ये मांग है इन पर हमारे को बातचीत का समय दिया जाए। बड़े शर्म की बात है, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने पूरे प्रदेश के जो मजदूर और परियोजना वर्कर आए हैं उनको बातचीत का समय नहीं दिया गया। और ये जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट जी यहाँ पे पहुँचे हैं, इन्होंने आश्वासन दिया है कि कल DC से 10 प्रतिनिधि मंडल मिले और वो DC साहब कल आपको मुख्यमंत्री से बातचीत कराने का समय दिलाएंगे। अगर हमारे को मुख्यमंत्री ने बातचीत का समय नहीं दिया तो आने वाले समय में हम ये अपने आंदोलन को और तेज करेंगे। क्या नाम है जी पूरा? आनंद शर्मा, वाइस प्रेसिडेंट CITU हरियाणा जी।
ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.